सीजन 17 और भाई साहब रिकॉर्ड्स को है बहुत ज्यादा खतरा। क्या सीजन जा रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद ने तो मानो ये ठान लिए कि हम रिकॉर्ड बनाएंगे भी और उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ेंगे भी, मतलब हम ही बनाएंगे, हम ही तोड़ेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। लेकिन सामने थी आरसीबी, आरसीबी ने दम तो पूरा लगाया लेकिन हर सीजन की तरह मैच नहीं सिर्फ दिल जीते। आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की मैच रिपोर्ट आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इस मुकाबले में। अब आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा वैसे तो कि इस पूरे मुकाबले में हुआ क्या। इस मुकाबले में बने 549 रन, जी हाँ 549 रन एक 20 ओवर के गेम, अगर दोनों साइड के ओवर मिला दूं तो 40 ओवर में बने हैं बॉस 549 रन। चलिए यहाँ पे टॉस जीता आरसीबी ने और फैसला किया फैफ डुप्लेसिस ने कि हम चेस करेंगे, गेंदबाजी का नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला हम वी विल चेस। चलिए चेजिंग की शुरुआत की लेकिन टॉस पे कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो किसी को समझ में नहीं आई। यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को नहीं खिलाया, अरे भाई साहब ग्लेन मैक्सवेल ही तो आपके सबसे बड़े फिरकी गेंदबाज थे, बल्लेबाज नहीं फिरकी गेंदबाज थे, लेकिन उनको खिलाया ही नहीं। और उसके बाद अगर देखें तो लॉकी फर्गुसन को टीम में ले आए। चलिए अब यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत हुई और क्या शुरुआत करी यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने, जिसमें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तो भाई धागा खोल दिया। 6 ओवर में बनाए यहाँ पे 76 रन, पहले पावर प्ले में बनाए 76 रन। अगर स्कोर की बात करें तो 22 गेंदों में 34 रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, 102 रन बनाए यहाँ पे 41 गेंदों में ट्रेविस हेड ने, और क्या शानदार शतक जड़ा उन्होंने अपनी पारी के दौरान, 9 चौके 8 छक्के और 249 का स्ट्राइक रेट। लाइक सीरियसली फैंस ने यही बोला कि लाइक सीरियसली ट्रेविस हेड आप ये क्या कर रहे हैं, और हेड ने यहाँ पे आरसीबी को अच्छा खासा हेडेक दे दिया। फिर आते हैं क्लासन और क्लासन अपनी क्लास दिखाते हैं, 31 गेंदों में बनाते हैं 67 रन और ये लगाते हैं सिर्फ 2 चौके लेकिन 7 गगनचुंबी छक्के, मतलब छक्कों पे छक्का, मानो कि समा बांध दिया आरसीबी के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। मार्करम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 17 गेंदों में 32 रन उन्होंने भी बनाए। फिर आते हैं अब्दुल समद, उन्होंने भी कहा कि जब सभी मार रहे हैं तो मैं भी मार लेता हूं, 10 गेंदों में उन्होंने बना दिए 37 रन। गेंदबाजों की अगर बात करें तो सबकी पिटाई हुई है डेमोक्रेटिकली अंदाज में। यहाँ पे विल जैक्स ने 3 ओवर में 32 रन दिए, रीस टॉपली ने 4 ओवर में दिया 68 रन और एक विकेट, यश दयाल 4 ओवर 51 रन, इन्होंने भी 50 लगाई। यहाँ पे लॉकी फर्गुसन ने 4 ओवर में दिए 52 रन 2 विकेट, इनकी भी 50 पूरी हो गई। विजय कुमार विशक की बात करें तो 4 ओवर में 64 रन और लॉमरॉन ने 1 ओवर में दिए 18 रन। यहाँ पे अभिषेक शर्मा का विकेट 108 के स्कोर पे गिरा, हेड 165 पे आउट हुए और क्लासन आउट हुए 231 पे, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे बना दिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन 120 गेंदों में। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हो गया बॉस, सबसे बड़ा स्कोर। अब बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी, 288 का टारगेट उनके सामने था। विराट कोहली ने शुरुआत तो अच्छी की, 20 गेंदों में 42 रन उन्होंने बनाए लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए इसके अलावा, और डुप्लेसिस 28 गेंदों में 62 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद तो आया राम और गया राम की यहाँ पर कहावत चल पड़ी, विल जैक 7 रन बना के आउट हुए, रजत पाटीदार 9 रन और सौरभ चौहान 0 पे आउट हो गए। उसके बाद आते हैं डीके, दिमाग खराब कार्तिक, मैं कहूंगा दिनेश कार्तिक ने दिमाग खराब करके रख दिया बॉस। पैट कमिंस को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए, लेकिन देखिए 35 गेंदों में खेली 83 रन की पारी, 5 चौके 7 छक्के 237.14 का स्ट्राइक रेट, और उनका साथ दिया लोमरोड ने, 11 गेंदों में 19 रन बनाए, अनुज रावत ने 14 गेंदों में 25 रन की पारी खेली, नाबाद रहे वो। वहाँ पे कार्तिक की अगर बात करें तो भाई साहब कार्तिक ऐसा लग रहा है कि कार्तिक की फॉर्म और वर्ल्ड कप ईयर एक बहुत ही प्यारी लव स्टोरी बनती जा रही है। तो क्या बल्लेबाजी कर रहा है भाई साहब, अब तो फैंस ये कह रहे हैं कि ले जाओ इसको T20 वर्ल्ड कप में। वैसे आप लोग बताइए यहाँ पे कि T20 वर्ल्ड कप में ले जाया जा सकता है कार्तिक को, प्रदर्शन तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आरसीबी को 25 रनों से ये मुकाबला गंवाना पड़ा। अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे नीचे आरसीबी है 7 मुकाबलों में 1 जीत और 6 हार के साथ। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मैन ऑफ द मैच इस मैच के लिए बने ट्रेविस हेड, जिन्होंने जड़ दिया शानदार शतक।